दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आज की विज्ञान की क्लास में मॉडल पेपर हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए। कुछ प्रश्न आपको एकदम नए मिलने वाले हैं जो आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो किस रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है? ऑप्शन है आपके पास बैंगनी, नीला, हरा या फिर लाल। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है? ऑप्शन आपके पास हैं डायोप्टर, मैनोमीटर, डाप्सन या फिर हाइग्रोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। 93 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? विक्षेपण, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन या नियमित परिवर्तन। तो प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना विक्षेपण कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित में से होता है? अभिसारी, अपसारी, आधा अपसारी तथा आधा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र जो होता है इसका लेंस जो होता है अभिसारी होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो राइट आंसर क्या है, आपकी बुक में यौगिक सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का चित्र बना हुआ है, उससे रिलेटेड आपका है। और आपकी जो आँख होती है उसका नामांकित चित्र बना हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? नीला, काला या फिर लाल, पीला। तो सही आंसर है काला रंग का दिखाई देता है। और 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है? तो आप सभी को पता है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी की बात करेगा तो अनंत। 98 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो बनता है बच्चों आपका पीतबिंदु पर, यानी येलो पॉइंट। राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फिर 2F पर। तो उत्तल लेंस की फोकस और पर स्थित बिंदु प्रतिबिंब बच्चों अनंत पर बनाता है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा अपवर्तन होता है। तारों को टिमटिमाना ये क्या है? अपवर्तन का एक कारण होता है। इसके अलावा अगर पूछे कि पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है तो उसका भी रीजन यही होता है, अपवर्तन। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतोलतल लेंस या फिर अवतलोत्तल। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। हमने आपको सूत्र भी बताया था, निकट दृष्टि दूर हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर, वस्तुएँ जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो पारभासी कहलाती हैं। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और ऐसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश पूरी तरह से जाने देती हैं तो पारदर्शी, और जिनमें जो है प्रकाश आर पार नहीं जा सकता वो अपारदर्शी कहलाती हैं। 104 नंबर है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग कैसा होता है? तो बीच के रंग को क्या कहते हैं? तो इसमें जो आपका हरा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और इसको याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, बैनी या पीनाला, याद रखना बैनी आ हा पीनाला, ठीक। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे तो आपको क्रम वाइज जो है रंगों के नाम पता होंगे। सबसे पहला बैंगनी, फिर नीला, फिर आसमानी,
फिर हरा, फिर पीला, फिर नीला, नारंगी और फिर लाल। तो इस प्रकार से इसको एक क्रम वाइज याद कर लेंगे तो आपको बीच वाला रंग पता चल जाएगा। तो इसमें आपका हरा हो जाएगा, अगर आपसे लास्ट वाला पूछेगा तो आपका लाल हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा रंग होता है तो बैंगनी होता है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन आपके पास हैं पुतली पर, कार्निया पर, रेटिना पर या फिर आयरिस पर। तो मानव का नेत्र रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनाता है, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया है अच्छे से कि मायोपिया क्या है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए एक शब्द होता है, और जो लेंस निकट दृष्टि दोष में लगता है वही इसमें मायोपिया में भी यूज होता है। तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस लगता है, तो सेम वही आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मायोपिया में भी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, समतल, उत्तल या फिर अवतल। तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपका बैंगनी रंग हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 109 नंबर है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। यहाँ पर प्रकाश की चाल की बात कर रहा है, तो ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर ध्वन की चाल करता तो ध्वन की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, और इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सही जवाब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, कांच। 110 नंबर है, मानव नेत्र की वह कौन सी संरचना है जो उसे उसका विशिष्ट रंग यानी वर्ण प्रदान करती है। परितारिका, कॉर्निया, पुतली या फिर नेत्र लेंस। तो ये बच्चों होता है परितारिका, यही जो है किसी भी वस्तु की संरचना और उसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। 111 आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 अंश है, तब आपतन कोण का मान क्या होगा। तो इसमें देखो आपका ये मान लो ये दर्पण है, और इस पर जो है ये अभिलंब हो जाता है, और इधर से मान लो आपतित किरण आ रही है और ये परावर्तन के बाद फिर वापस लौट जा रही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपका आपतन कोण हुआ, ये आपका परावर्तन कोण हुआ। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग 120 दिया गया है। तो हम ये जानते हैं स्नेल के नियम से आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 120 ये दो कोणों के बराबर दिया गया है। तो 120 को आप दो भागों में बांट दीजिए तो 60 × 120 हो जाएगा, अर्थात 60 अंश इज द राइट आंसर। तो कह रहा है कि आपतन कोण, तो आपतन कोण कौन सा होगा, ये वाला आपतन कोण 60 अंश, और परावर्तन कोण भी आपका 60 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तारा जो पृथ्वी से 60 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश के उस तारे से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो 60 वर्ष लगेगा, क्योंकि 60 प्रकाश वर्ष दूर है, तो एक वर्ष में एक प्रकाश वर्ष दूरी चली जाती है, तो 60 वर्ष में 60 प्रकाश वर्ष दूरी चल जाएगी। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर है, खाली स्थान के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। तो किसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये परावर्तन का कारण होता है जिसके कारण प्रतिबिंब बनता है। 114 नंबर है, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो वही है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइड। तो सही आंसर बच्चों है आपका लौह अयस्क, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स यानी घटकों से बना हुआ होता है, केवल 4, केवल 1, केवल 3 या फिर केवल 2। तो केवल 4 चैम्बर होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता है ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसके कारण जो है मनुष्य हंसने लगता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 118 नंबर क्वेश्चन, रेशम कीट रेशा स्रावित करता है जिसका पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, केवल सेलुलोज या फिर स्टार्च प्लस सेलुलोज। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर है प्रोटीन। ठीक, जो रेशम कीट जो है स्रावित करता है, जिसके कारण जो है
आपका रेशम बनता है वो पदार्थ होता है प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आर्गन, एक्टिनियम, क्रिप्टन या फिर राडोन? तो इसमें आपका सही है बच्चों सेकेंड ऑप्शन एक्टिनियम। 120 नंबर है, ब्रेड पर उती कवक यानी फफूंद, छत्रक या मशरूम और ईस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली पोषण की प्रणाली कौन सी है? तो ये सभी क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? बताइए इसमें कौन सा कीटभक्षी पौधा होगा? नीलिम्बो, निक्टेंथिस, निकोटियाना या फिर नेपेंथिस? तो 121 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नेपेंथिस हो जाएगा। ये कीटभक्षी पौधा होता है। कीटभक्षी पौधे के अलावा इसके अलावा आपका देखो घटपर्णी होता है, ड्रोसेरा होता है, वीनस फ्लाई होता है, ये सभी आपके जो है कीटभक्षी पौधे होते हैं और ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। 122 नंबर है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला, लेमना या फिर टॉक्सवाइड या ट्रापा? तो राइट आंसर बच्चों इसमें एजोला जो है इसको प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कब सही है? और केचुआ में श्वास होता है, केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा या फिर श्वास रंध द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, त्वचा के द्वारा जो है केचुआ सांस लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व या फिर स्टार्च? तो पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। और 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा को पहचानिए, तो रेयान, कपास, नायलॉन या फिर एक्रिलिक? तो राइट आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन कपास, ये प्राकृतिक रेशा होता है। तो इस प्रकार से ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आप सभी लोग कितने क्वेश्चन 35 में सही किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसके बाद आप सभी लोग जो है 7:30 बजे की लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।